thanks. So can you do let me know when the screen is visible, okay? Save screen. Fine. Fine. Hope the screen is visible to you guys. Sai, screen visible aapko? Hello? चलो फिर अपन लाइक थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग दे दो जो क्वेश्चन करेंगे ठीक है सो दैट यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एज वी हैव बीन कवरिंग फ्रॉम द लास्ट थ्री डेज ठीक है दैट इज देयर इज वन डेटा टाइप इन पाइथन नोन एज स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग विच इज नथिंग बट सिंपली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जैसे जस्ट गिव मी अ मिनट सॉरी हेलो चलो थैंक सो मच यार या ठीक है जैसे लाइक एनी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर सपोज दैट ए टी जी सी टी ए टी सी ठीक है हमने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर लिखा है नाउ इफ आई हैव रिटन इट अंडर इन्वर्टेड कॉमास दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कैरेक्टर फाइन बट अगर हम यहाँ से ये हटा देते इन्वर्टेड कॉमास then it is a variable now okay so you should have a good understanding about all these concepts okay fine so you should have a very good understanding about all these things like string kab hota hai variable kab hota hai and everything okay now what a task today is that because majority of you are from biology background here so you must be having good understanding about dna sequences okay so our task kya hai ki like hamare paas ek sequence hoga सीक सीक और वो हम ले लेंगे इस टाइप से ठीक है हम जैसे एक सीक्वेंस ले लेंगे नाउ इसके बाद आई विल गिव वेरी सिंपल टास्क दैट इज फर्स्ट विल बी टू रीड द सीक्वेंस रीड द सीक्वेंस बिकॉज यहां पर मैंने सीक्वेंस को लिख दिया है वेरी सिंपल इन वन लाइन बट इन रियलिटी द DNA sequences, the length of the DNA sequences are in KBs. KBs is in thousands, kilobases. They are in thousands or lakhs. Okay, so that is not possible to write in a single line. Okay, so those things obviously we will have in a file. Ke andar aayengi. So that's why we'll be required to read the sequence from the file. From the file. Now, ab sochke dekho. Hum kya karte hain? Hum ek question design karte hain ki मान लो जैसे मेरा फेवरेट प्रोटीन हमने ले लिया है एम जी एम टी सो एम जी एम टी इज अ प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट सॉरी इन द ब्रेन कैंसर इट इज अ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल लाइक इज इज नथिंग बट सिंपली मिथाइल ग्वानोसिन मिथाइल ट्रांसफरेस ठीक है सो दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू द ब्रेस्ट ब्रेन कैंसर नाउ वट वी विल ट्राई टू डू इज दैट बिकॉज हमें पता है कि लाइक ह्यूमन्स then your monkeys chimpanzees dogs cats and everything all these different species they must be having this sequence they must be having this sequence theek hai so ab hum kya chahte hain like i want to store these sequences in a format like main yahan pe kahu human and seek of mgmt main kahunga dog और यहाँ पे आएगा सीक ऑफ एम जी एम टी मैं कहूँगा कैट एंड यहाँ पे आएगा सीक ऑफ एम जी एम टी तो फर्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बिकॉज यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा देन ओनली वी विल सी एंड डू दिस क्वेश्चन ठीक है ग्रेट कैट अब मान लो मंकी ले लेते हैं मंकी एंड सी मंकी सो वी नीड टू स्टोर the sequence of MGMT of four different species into this particular format so can anyone please tell me which will be the required data structure that can be used here for this particular keys pratiksha any idea dictionary chalo great dictionary theek hai so it means that now one point is very clear that is I need to build a dictionary I need to build a dictionary theek hai इट मीन्स कि एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई कि मुझे अब आइडिया है कि मुझे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना चाहिए एंड दैट इज डिक्शनरी ग्रेट नाउ जस्ट इमेजिन
जस्ट मैरिड, ठीक है। हमें क्या करना है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द जीसी परसेंट ऑफ एमजीएमटी डीएनए सीक्वेंस इन ऑल डिफरेंट स्पीसीज, ऑल डिफरेंट स्पीसीज। सो नाउ नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा सोचो देखो आप। अब अगर मैं अगेन एंड अगेन मैं एक जीसी काउंट के लिए एक फॉर्मूला बना, मतलब अगर कोड लिखूंगा और हर डिफरेंट कोड पे अप्लाई करूंगा, हाउ मच टेडियस वर्क इट विल बी, ठीक है। कभी नहीं करेंगे इतना टेडियस काम, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक देन वी आर नॉट प्रोग्रामर्स। सो हम क्या करते हैं इन केसेस में, कभी भी फर्स्ट टास्क इज दैट यू विल स्टोर ऑल द डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस इनटू अ डिक्शनरी। देन व्हाट यू विल डू इज दैट whenever you need to perform a particular function upon all the different for a number of different sequences or number of different tasks, you will always design functions, you will always design functions. So that the task is also not clear that hum kya karna hoga, ek function design karna hoga kiske liye, gc content find out karne ke liye, to find out the gc content. And after I have a function in my hand, what I'll do is that because I need to perform this function upon all the different four species, upon all the four different species, ठीक है। अब सोचो देखो, अभी ये बताओ मुझे कि मुझे एक ही काम चार डिफरेंट बार करना है, फोर डिफरेंट टाइम्स करना है, तो क्या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम यूज में लाएंगे यहाँ पे? छाया कैन यू टेल? Can you repeat the question? My question is that I have designed a function which has the tendency to find out the GC content of a given DNA sequence. And now I want to find out the GC content of four different species, which are stored in a container which is known as dictionary. So, which particular programming concept will be used here to access each of the different species from the dictionary? Batao, batao. No idea. No idea. Great. Surbhi, any idea क्या use करेंगे हम? No. Great. Pratiksha, any idea? So we are storing the sequence of different species in a different keys. We have to access it with keys only. The corresponding keys. Right. So definitely we can access them using the keys. बट हम अगर कीज यूज करें तो बस एक बार निकाल पाएंगे ना, एक कीज हम एक बार यूज करेंगे, तो हमें सारे यूज करने, तो क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आप सबको एक एक करके यूज करने के लिए? सिंपल फॉर लूप यार, अब फॉर लूप नहीं लगाओगे? लगाओगे ना? या, ठीक है। सो आई विल डिजाइन अ फंक्शन विच विल फाइंड आउट द जीसी कंटेंट ऑफ अ गिवन डीएनए सीक्वेंस, एंड आफ्टर दैट आई विल अप्लाई माय फॉर लूप over the dictionary, access one DNA sequence from there, apply the function over there and find out the GC content. Great. अब हम देखते हैं कि GC content कैसे निकाल लें, GC content हम कैसे निकाल लें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसे कहेंगे पहले pseudo code. तो pseudo code देखो कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल, लाइक यू आर जस्ट गोइंग टू राइट योर एल्गोरिदम इन टू इंग्लिश, आप अंग्रेजी में अपने कोड को लिखने वाले, वेरी सिंपल थिंग। आप जब इंग्लिश में अपने कोड को लिखते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दैट इज नोन एज अ स्यूडो कोड। अब हमें करना है जीसी कंटेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसके लिए फंक्शन डिजाइन करना है, वेरी सिंपल। हम इसके लिए क्या करेंगे, व्हेनेवर यू नीड टू डिजाइन अ फंक्शन, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू टेक अ वेरी स्मॉल सीक्वेंस फॉर दैट और एनी स्मॉल चंक ऑफ डेटा। कभी एक बहुत बड़े डेटा पे फंक्शन डिजाइन करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो हम ये करेंगे यहाँ पे, लाइक हम एक एक्स लेंगे सीक्वेंस, ए टी जी सी टी टी सी जी सी टी, ठीक है। हमें इसका जीसी कंटेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, जिसे परसेंट निकालना है बेसिकली। सो सुरभि, कैन यू हेल्प मी आउट, लाइक हम कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम? सबसे पहले बाय यूजिंग फॉर लूप। ग्रेट। So by using the for loop, now we need to find out the GC content, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीसी कंडीशन, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? साक्षी कैन यू टेल मी लाइक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? फॉर आई इन द एक्स वो ठीक है नेक्स्ट रो दैट इज फाइन, लेकिन हमें स्यूडो कोड बनाना है अभी, ठीक है? तो उसके लिए जैसे जीसी कंटेंट हमें निकाल, जैसे हमें जीसी कंटेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काउंट चाहिए ना हर किसी का, हमें हाँ जीसी का काउंट चाहिए, मतलब सेपरेटली ऑल ऑल का काउंट चाहिए, फिर जीसी का एडिशन करके डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 करना होगा। यस, सो हम पहले लिखेंगे काउंट ऑफ ऑल डिफरेंट बेसेस, काउंट ऑफ ऑल डिफरेंट बेसेस, देन ऐड एडिशन ऑफ जी काउंट ऑफ जी एंड काउंट ऑफ सी एंड सी, देन ऐड डिवाइड बाय टोटल काउंट ऑफ ऑल, ठीक है? Fourth step, divide 2 by JC divided by total. Divide 2 by 3. And multiply 100. Multiply by 100. Return. Right? Yeah. But it, now, so aapne like, I guess, it was Sakshi, you only, na, jinhone inbuilt function use kiya tha? Yeah, so, I used a count. Right. आपने दिखा था उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए टी जी सी टी सी जी सी टी सी मान लो ये। सो देखो हमारे पास टोटल चार बेसिस हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू नीड टू डिफाइन फोर डिफरेंट वेरिएबल्स, तो ए अंडरस्कोर सी, सॉरी टी अंडरस्कोर सी, जी अंडरस्कोर सी एंड सी अंडरस्कोर सी, नाउ जीरो 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 बस भेजने का जीरो सो के सारे, राइट? देन आपको अब इसकी फाइंड आउट करना है, तो क्या करो सबसे पहले, यू नीड टू एंटर टू दिस, यू नीड टू एंटर योर एक्स स्ट्रिंग, राइट? फॉर आई इन एक्स आप इसके अंदर जा चुके हो, नाउ यू विल चेक वन बाय वन, विल चेक वन बाय वन। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक पंगा आ सकता है क्या, कि हो सकता है कि आपके जो बेसिस है ये कैपिटलाइज्ड है और जो आपने कोड उठाए हैं वो स्मॉल लो, ठीक है? मान लो कि, तो मैं क्या करूँगा, आई नीड टू चेक इफ आई इक्वल्स ए, बट हो सकता है कि जो आपने बेस उठाया है उसमें स्मॉल लेटर्स हो, तो ऐसी एनोमलीज को सॉल्व करने में क्या करते हैं, कभी भी जब हम डेटा जैसे डाउनलोड करते हैं सबसे पहले वी अप्लाई आइदर एक्स डॉट कैपिटलाइज नहीं अपर केस और देर इज डिफरेंट फंक्शन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप सबको या तो स्मॉल कर दो सबको कैपिटलाइज कर दो, आई मैंने कैपिटलाइज कर दिया मान लो, फॉर आई इफ आई इन आई इज इक्वल टू ए देन ए अंडरस्कोर सी प्लस इक्वल टू वन, इट मीन्स दैट हम पहले लू इस स्ट्रिंग के अंदर गए, मैंने चेक किया कि क्या वो ए है, अगर ए है तो मैं अपने ए के काउंट को वन से इंक्रीज करूँगा, ए अंडरस्कोर सी प्लस इक्वल टू वन का मतलब है ए अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू ए अंडरस्कोर सी प्लस वन, ठीक है? इफ आई इक्वल टू टी ए अंडरस्कोर सी प्लस इक्वल टू वन, सॉरी नॉट ए, क्या लिखा मैंने, टी ना, टी इफ आई इज इक्वल टू सी C underscore C will be plus equal to 1 and इसके बाद एक ही बच गया, तो उसको आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, but still if I equals G C underscore C plus equal to 1, simple. So after using this code this will be updated again. तो आप बस A underscore C जी अंडरस्कोर सी टी अंडरस्कोर सी और सी अंडरस्कोर सी की डिफरेंट काउंट्स आ जाएंगे, बस डिफरेंट काउंट्स आ जाएंगे इनके लिए। नाउ आफ्टर गेटिंग द काउंट्स यू विल परफॉर्म जी सी, अब जी और सी को ऐड करोगे तो जी अंडरस्कोर सी प्लस सी अंडरस्कोर सी, देन आप लोग टी सी मीन्स टोटल काउंट, ए अंडरस्कोर सी जी अंडरस्कोर सी सी अंडरस्कोर सी T underscore C, then
पर जी सी अंडरस्कोर पर जी अंडरस्कोर सी डिवाइड बाई टी अंडरस्कोर सी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड देन रिटर्न जी सी अंडरस्कोर पर। ठीक है, नाउ मैंने ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल लिख दिया है, बट हमें क्या होगा, लाइक वी नीड टू परफॉर्म दिस टास्क अगेन एंड अगेन, सो वी विल पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टू अ फंक्शन। सो अब ये करोगे आप डेफ जी सी अंडरस्कोर पर सी और जो भी हमने ऊपर लिखा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा एंड यू विल राइट रिटर्न जी सी अंडरस्कोर पर। ठीक है, बट ये भी हमने रिटर्न करवा लिया, बट अगर सपोज दैट इफ आई वॉन्टेड यू टू रिटर्न द काउंट ऑफ ईच एंड एवरी बेस द काउंट ऑफ ईच एंड एवरी बेस, तो आप क्या करते हो उसके लिए, यू वुड हैव बिल्ट अ डिक्शनरी हेयर, बिल्ट अ डिक्शनरी हेयर जो ए इक्वल टू काउंट देता, सी का देता, जी का देता और टी का देता। ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक काउंट आ जाता है, एक डिक्शनरी बनाते हैं आप जिसके अंदर आप सारे काउंट्स को स्टोर करते हैं एंड देन यू कैन एंड इसी में आप चाहो तो जी सी का भी परसेंटेज भी लिख लो इसके अंदर एंड रिटर्न टर्न जी सी डिक्शनरी। ठीक है, एंड देन जैसे ही फंक्शन पर डिजाइन हो जाएगा इसके बाद व्हाट यू विल डू बेसिकली, सपोज दैट कि हमारा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो डिक्शनरी मैंने क्रिएट की है उसका नाम मैंने सीक दिया है, सीक दिया। ठीक है, सो अब वेरी सिंपल है, सीक डॉट कीज, सीक डॉट कीज एक कमांड होता है जिससे आप ये उसकी सारी कीज आ जाएंगे। नाउ दिस ए बी सी दीज आर नोन एज कीज, दिस 1 2 3 आर नोन एज वैल्यूज। ठीक है, नाउ इफ आई विल राइट सीक डॉट कीज इट विल रिटर्न मी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इफ आई विल राइट सीक डॉट वैल्यूज इट विल रिटर्न मी समथिंग लाइक दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन, सो नाउ हमारी जो डिक्शनरी है सीक की उसके अंदर क्या है, होमोसेपियन है, कैनिस है, कैनिस मीन्स डॉग है, फैलिस मीन्स कैट है, और क्या रखा हमने, और एक मंकी रखा है, मंकी का साइंटिफिक नेम आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, और एक मंकी मान लो। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू फॉर आई इन सीक डॉट कीज, अब मैं इसके अंदर जा चुका, इसी कीज में जा चुका, कीज में गया हूँ मैं एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई माई फंक्शन, सो व्हाट आई विल डू प्रिंट जी सी अंडरस्कोर पर एंड सी आई, सिंपल। आपने पहले इसकी डिक्शनरी की कीज को कॉल किया, आपने एक सेकंड में और सिंपलीफाई करके बताता हूँ आपको, सीक्वेंस इज इक्वल टू यू विल राइट सी आई, आपको वो सीक्वेंस फेच हो चुका है, किसका फेच हुआ है, आई वाले का, आई वाले एनिमल का। ठीक है, देन यू विल अप्लाई फंक्शन विच विल बी नोन एज जी सी अंडरस्कोर पर ब्रैकेट सीक एंड देन यू वांट टू अपेंड इट, बिकॉज अब जो रिजल्ट आ रहा है आप ऐसे थोड़ी जाने दोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसे हम कहेंगे सी जी सी, एक ब्लैंक डिक्शनरी आपने क्रिएट किया है। ठीक है, सो सी अंडरस्कोर जी सी आई इज इक्वल टू, इसको मान लो हम दे देते हैं जी सी नाम, जी सी। आपका ये लूप जैसे कंप्लीट होगा आपके पास एक डिक्शनरी क्रिएट होकर आएगी जिसके अंदर आपके सारे के सारे डिफरेंट स्पीसीज के जी सी परसेंट काउंट आ चुका होगा। You will have the content of all the different species, GC content of all the different species. Got it? If anyone have any doubt in the entire concept, you can tell me. Because इसके अंदर हमने for loop, conditional, function तीनों concept use किए हैं, ठीक है? और file handling definitely, because आपको file read करना पड़ेगा यहाँ पे.
So now if anyone has any doubt in this, you can ask me. बताओ यार. Okay, quick recap दे दो. अच्छा एक recap दे दे. Good. So first of all, the point is we need to find out the g, we need to find out the gc percent or large number of different species of one particular gene. So first task hum kya karenge, we'll download their FASTA sequence from the NCBI. Jitne bhi aapko species ka find out karna hai, after downloading the FASTA sequence of all the different species from the NCBI, you will use file handling concept to read all those sequences. Okay, you will use to read all those sequences. After reading all those sequences, you will first design a for loop or a function to which will calculate the GC percent and the count of all the different bases. After that, you need to, and yeah, so when you have downloaded a lot of FASTA sequences, you need to store those sequences now in a dictionary so that they will be very easily approachable and accessible. Fine. So to access all those different sequences, you will make use of a looping condition. So you make use of loop, and after using loop, you will just apply the function over all the different species GC sequences, and you will have the result in your hands. Got it, Chaya? Yeah. किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कैसे करेंगे तो यू कैन टेल मी. आई विल रिपीट वंस अगेन. प्रतीक्षा जी बताओ, समझ में आया आपको? प्रतीक्षा, यू आर नॉट ऑडिबल. आई डिडंट हियर. आई एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल नाउ. या सॉरी, आई डिडंट गेट यू. व्हाट आई एम आस्किंग, डिड यू गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क? Yeah, the question I understood, but the concept, if you can, the sequence which you have written here, if you can repeat it again, it would be good. Good. कहाँ से समझ में नहीं आई ये तो मुझे? दो. ये समझ में आ गया था आपको कि हम से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे? Yeah. Great. Then, did you get the pseudo code? How will you do this? Yes. Great. Then did you get the concept of this function? कि जिसी कंटेंट का फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे for और if condition? Yes, yes, I got this also. Great. After this हमने कुछ नहीं किया, simple, very simple. We will, because we need to store the results, we need to store the result. ये ज़्यादा hotspot में नहीं करते थे, आपको शायद दिक्कत आ रही हो समझने में. Is it so? कि ज़्यादा खिचड़ी पक गई यहाँ पे इसलिए. देखो यार, आप क्या करोगे, आपने सब चीज कर, बट विदाउट डिफाइन. हाँ जी, बोलो बोलो. या बट आई मीन विदाउट डिफाइनिंग द फंक्शन, हाउ आर यू गेटिंग द डेटा? हमने डिफाइनिंग फंक्शन किया तो है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन पहले in first, in second page you didn't define the function. हाँ, इधर यू, वी हैव डिफाइंड द फंक्शन, बट वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट? ये पूरे लूप में बताया, वो पूरे कंडीशन बताया कि हम ये सारी चीजें करेंगे आंसर निकालने के लिए. दिस इज जस्ट द डिफरेंट स्टेजेस, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ओके, क्या क्लैरिटी नहीं तो बताओ मुझे यार, प्लीज. हेलो, दैट इज व्हाट आई एम नॉट गेटिंग, दैट इज व्हाट आई एम नॉट गेटिंग, हाउ यू आर input, I'm sorry, taking the data without defining the function in the next page. Okay, I'm taking the data, मैं वो explain करता हूँ कैसे. देखो, seek हमारा dictionary है जिसके अंदर हमने यहाँ पे species का नाम और यहाँ पे वो sequence है, got it? Yes. So I need to find out the GC content of all the different species. So first of all, what I need to do, I need to enter this dictionary, right? Yes. So uske liye humne kya kiya, because this dictionary contain multiple items, so I will use a for loop for I in seek dot keys. Jaise maine I dot seek dot keys likha, it means I have entered to this dictionary. Fine, got it? Yahan tak clear hai? Yes.
then I need to get their sequence. So sequence is equal to C I. By using this, I am getting the sequence corresponding to this species. जो आपका I है उसके corresponding sequence हमारे पास आ गया है. Got it? Yeah. Then you will apply GC underscore per, which is the function, over the sequence. Got it? I want to store my result into another dictionary. So GC underscore species, एक खाली डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे करेंगे GC underscore species I. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका I आप एक दूसरी डिक्शनरी से यूज कर रहे हो उसे अब आप एक दूसरे डिक्शनरी में डालोगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आएगा GC एंड इससे आपका रीड होकर के एक्सेस हो जाएंगे सारे फाइल सारे स्पीसीज. गॉट इट? चलो नहीं सर ठीक है. एनीवन एल्स हैव एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? अभी भी डाउट बताओ. साक्षी इज क्लियर टू यू? या इट्स क्लियर. ग्रेट. सुरभि आपको क्लियर है? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है. जो भी आपने वो लिखा हुआ था इज दिस फर्स्ट पेज बताओ. हाँ ये तो मुझे समझ में आया था. गो फॉर द नेक्स्ट पेज जहाँ पे आपने पूरा प्रोग्राम यूज किया था इफ और ये. हाँ ये बात आई मीन ये मुझे समझ नहीं आया कैसे आपने फॉर लूप यूज किया है. यस यस देखो आपके पास एक सीक्वेंस है राइट 80 मतलब एस्टेब्लिश सीक्वेंस है. अब आपको इसके सारे बेसिस का काउंट फाइंड आउट करना है. व्हाट इट सो कैसे करो सोच देखो. आप मैन्युअली बताओ मुझे सबसे पहले क्या करोगे आप. आपको मान लो कि ये फाइंड आउट करना है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली में टोटल हमने क्या किया. सोचो हमने क्या किया ना कि लाइक 100 लोगों को 3 डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहना के भेज दिया है. लाल पीली नीली ठीक है. हमने 100 लोगों को 3 डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहना कर ट्रिपल आईटी दिल्ली में छोड़ दिया और सब पागल है ठीक है. अब जो लाल वाले थोड़े ज़्यादा पागल हैं, ब्लू वाले थोड़े कम पागल हैं और जो पीले वाले वो और भी कम पागल हैं. मतलब रेड वाले थोड़े इंटेंस पागल हैं. वो इतने पागल हैं उसे खून कर सकते हैं ठीक है. और अब हमें ये करना है कि हमें उनको कैच करना है. तो अब टोटल हमने 100 पागल छोड़े हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में 3 टी शर्ट पहना करके. अब आपको क्या हुआ कि आप बाहर से आए और आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में भेजा गया. चलो काउंट करके लाओ और इनको पकड़ के बाहर निकालना है ठीक है. आपको इनको अरेस्ट करके बाहर निकलवाना ठीक है. सो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में आए. अब मुझे बताओ कि आप सबसे पहले कैसे स्टार्ट करो अपने टास्क को सॉल्व करना. बताओ सुरभि. वो पागल पूरे कैंपस में घूम रहे हैं. अब कैसे करोगे आप? पहले तो टोटल नंबर ऑफ काउंट पता करें. टोटल काउंट नहीं, आपको ये पता करना है कि लाल वाले कितने हैं, पीले वाले कितने हैं, नीले वाले कितने हैं. आपको बस ये बताइए टोटल 100 पागल आए हैं. अब तीनों की आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि लाल वाले कितने, नीले वाले कितने हैं और पीले वाले कितने पागल हैं. वो लाल वाले बड़े इंटेंस पागल है ठीक है, वो मार देंगे जान से. बताओ कैसे करोगे? काउंट निकालेंगे रेड येलो और कैसे निकालोगे? पूछो कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग है तेल लेने यार. अब आपको लाइक इंसान पकड़ने तो प्रोग्रामिंग कहाँ से आएगा वहाँ पे. आपको इंसान पकड़ना है, इंसान पकड़ने प्रोग्राम कहाँ से लाओगे? रियल लाइफ में बात कर रहे हैं. हाँ तो उनकी टी शर्ट का कलर देख के पहचानना है. अरे पहचानना नहीं है, काउंट करना है. बताओ 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 जल्दी स्टार्ट. मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिखा दूंगा अभी और फिर आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. दो जल्दी दो और आप भी लाइफ टाइम याद रखो कि आलोक आनंद ने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाया था. बोलो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के बाहर हो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे ट्रिपल आईटी के बाहर हो आप गेट पे हो क्या करोगे? सपोज दैट यू आर अ कॉप, आप एक पुलिस वाले हो और आपको तीनों का काउंट पता करके उनको अरेस्ट करके बाहर ले जाना है क्योंकि 3 डिफरेंट कैप्स हैं.
तीन डिफरेंट कैप्स में तीनों को ले जाना है, बिकॉज जो लाल वाले वो पीले वाले के बड़े कट्टर दुश्मन है, वो मार देंगे दूसरे, मान लो हिंदू मुसलमान है, वो कट्टर वाले हिंदू मुसलमान है कि भैया लाल वाले जो पागल हैं वो पीले वाले देखना चाहते हो, मार देंगे उस सामने आ गया तो, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी पकड़ना है, और आप एक कॉप हो, पुलिस वाले हो, तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, स्टार्ट। लाल वाले को पालेंगे क्या छाया, आई मीन सबसे पहले लाल वाले को निकालना चाहिए जो ज्यादा डेडली है। निकालोगे कैसे, आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के बाहर हो तो पहले आपको कैंपस में घुसना पड़ेगा ना, राइट, तो आपको स्टेप बाय जाना है, एक ही स्टेप बताना है, आप तो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है, आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के बाहर हो तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, जल्दी स्टार्ट, छाया आप ही बताओ, लाइक पहला स्टेप आप बताओ क्या करेंगे, अंदर ही जाएंगे कैंपस के, तो सबसे पहले हम कैंपस के अंदर घुसेंगे, या ठीक है, तो सबसे पहले प्रतीक्षा करो, सॉरी सबसे पहले सुरभि को हम कैंपस के अंदर डालेंगे, सुरभि गॉट इट, हेलो, यस, ठीक है, तो सुरभि आप एक पुलिस वाले हो, आप कैंपस के अंदर गए, अब बताओ कैंपस के अंदर जाने के बाद क्या करोगे, आपको तीनों को काउंट करना है, तीनों को अलग अलग वैन में डालना है, स्टार्ट स्टार्ट, सोचो यार प्लीज, मैं मर जाऊंगा नहीं तो, आपको 100 लोगों का काउंट पता करना है, सिंपल बस, जो तीन डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं कैंपस में, कैसे करोगे, सबसे पहले काम क्या करोगे, कैंपस के अंदर चले गए, अब क्या करोगे, जो भी अलग अलग टाइप के पागल हैं उनको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो डिफरेंशिएट में बता रखा है, तीनों को अलग टी शर्ट पहना रखी है हमने, दो को पता उनका काउंट पता है, हाँ छाया क्या करता है, अगर दो टाइप के पागल का पता चल गया तो थर्ड टाइप तो खुद ही पता चल जाएगा, चलो गुड, ये बात ठीक है, दो को पता चल गया तीसरा तो चल जाएगा, इट मींस दैट कि अगर मैं दो को पकड़ लूंगा तो तीसरे को छोड़ सकता हूँ, राइट, तीसरे का काउंट चल पाएगा, नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं कैंपस में, मतलब अगर हमने दो को पकड़े सेग्रीगेट अलग अलग कर दिया, इट मींस दैट कि तीसरे वाले फिक्स्ड है कि सारे तो वही है ना, राइट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली से सारे बच्चों को निकाल बाहर सेव करेंगे और अंदर गैस छोड़ देंगे जिससे सारे पागल बेहोश हो जाएंगे, सारे उठाए बाहर ले जाएंगे, इट मींस दैट कि हमें पहले कैसे करके दो डिफरेंट टाइप के लोगों को बाहर निकालना है, क्लियर, अब लेकिन जो दो डिफरेंट कलर के जो पागल हैं हमें उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें काउंट कैसे निकालेंगे हम छाया, हमें काउंट निकालना है पहले, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट द काउंट, क्योंकि किसी पागल खाने से भागे हैं तो हमें वहाँ पर तो रिपोर्ट करना पड़ेगा ना कि आपके भैया इतने पागल भागे हैं, बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप काउंट करने के लिए, प्रतीक्षा आप बताओ क्या करोगे, सॉरी आई डिडंट गेट व्हाट वाज यू टेलिंग, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई मीन दिस कोडिंग वाला पार्ट में आई गॉट इट, पर यू आर गिविंग सम एग्जांपल्स, आई डिडंट, कोडिंग का आपको लेना नहीं, कोडिंग छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि हमने 100 डिफरेंट पीपल of wearing different colored t-shirts have entered to a campus and we need to now find out the count of these three different type of people, to hum kaise karenge ye kaam, number tag, haan ji batao, sorry, by number tag, by numbering them, yeah, to wo numbering kaise karenge batao, सो बट इन जनरल तो वो काउंट तो हो ही जाएगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दोनों लाइक कैसे काउंट करने वाले हो आप, अब चलो एक काम करते हैं, ठीक है, अच्छा सुरभि आप ट्राई करोगे इसे या मैं करूँ ट्राई, नहीं आप ही ट्राई करो, अच्छा ठीक है, साक्षी वुड यू लाइक टू ट्राई, हेलो साक्षी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, नॉट अ इशू, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, 100 डिफरेंट पागल को हमने लाल नीले पीले टी शर्ट पहना के कैंपस में पकड़ना है, हाँ तो बताओ कैसे पकड़ोगे तीनों को, कैसे पकड़ोगे, नहीं आइडिया आ रहा, आई थिंक काउंट करवा ले,
कैसे एक करोगे काउंट? एक ये तो कुछ नहीं, काउंट कैसे करोगे, हमें खाली काउंट ही पता करना है। काउंट पता करिए, फिर उसको उठा के कैब में डालना और भगा देना है। सॉरी आई डोंट। चलो ठीक है, प्रकृति ट्राई करते हैं। प्रकृति आप बताओगे? हाँ चलो, पहले तो मैं केटीएम से कॉलेज में जाऊंगी अंदर, फिर देखो ध्यान से प्लीज स्टेप को समझना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चीजें, बिकॉज वो स्टेप इस एल्गोरिथम के अंदर यूज्ड है। बताओ प्रकृति, स्टार्ट स्टेप वन प्लीज। हाँ फिर एक एक करके सबके पास जाऊंगी मैं। एंड मतलब अगर रेड हुआ तो उसे रेड वैन में डाल दूंगी, ब्लू हुआ तो ब्लू में डाल दूंगी, ग्रीन हुआ तो ग्रीन में, मतलब दैट वे। यार आपकी आवाज बहुत, आपके साइड से हो सॉरी, यस सॉरी सॉरी, नाउ यू कैन कंटिन्यू योर सॉरी। हाँ सो बेसिकली लाइक एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगी, एंड अगर रेड हुआ तो रेड वैन में, ब्लू हुआ तो ब्लू वैन में, एंड मतलब जो भी ग्रीन हुआ है तो लाइक एक करके आई ट्रेवर्स की मतलब कौन सा क्या है उसको वैन में डाल दूंगी। मतलब एक ही करके जाना पड़ेगा ना। अब देखो यार, लाइक मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है? राइट अप्रोच कि मेरा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा गेट पे, ट्रिपल आई टी ले गेट खोलेंगे और अंदर आएंगे। तो वो ट्रिपल आई टी का जो गेट और ये जो जगह है जहाँ पे सौ पागल आए हैं, वो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है? तो वो हमारा ये डीएनए सीक्वेंस है, जो ये हमारा ट्रिपल आई टी कैंपस है, समझना आप, ठीक है ना? और ये वो 100 पागल है, ठीक है, जिन्होंने 100 मतलब तीन डिफरेंट कलर टी शर्ट पहनी है। यहाँ पे हमारे पास चार है, ATGC, ये चार डिफेंडर है। अब हमें उसको, हमें तीन डिफरेंट कलर के वो है वैन, मैंने बोला तीन डिफरेंट वैन में वो डालना है, लाल पीले नीले। तो हमारे पास एक कंटेन, बेसिकली वैन के एक कंटेनर है, वैन एक कंटेनर है। तो इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा साइंस, हमारे पास एक कंटेनर चाहिए जिस कंटेनर के अंदर मैं स्टोर कर पाऊंगा, और मुझे पता होगा कि लाल वाले में लाल वाले कह दिया है। और इस टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर हम वैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वैन आपका कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे डिक्शनरी से। अब हम क्या करें, सबसे पहले मैं कैंपस में घुसा, तो ये फॉर आई इन एक्स, मतलब मैं उसके अंदर घुस गया कैंपस में। अब सौ पागल है, इट मीन मुझे एक ही करके सबके पास जाना पड़ेगा, और तो ये रेपिटेटिव वर्क है, तो इट मीन्स आई विल हैव टू रिपीट दिस टास्क फॉर दोज मैनी टाइम्स जितने पागल है। तो 100 है तो 100 टाइम्स, वॉट इट फाइन। सबसे पहले गया, सबसे पहले मान लो मुझे पीला वाला दिखा, तो आई विल गो टू हिम। अब आई विल काउंट नंबर वन, तो मैं एक मिल गया मुझे, मैं उसको उठाऊंगा बाहर ले जाऊंगा और वैन में डाल दूंगा। एंड आई विल कीप इन माइंड कि लाइक मैंने वैन में एक डाला है, अब याद रखना प्लीज, वैन में मैं लाल वाले वैन, सॉरी मैं पीले वाले वैन पे एक बार गया, तो नाउ आई नो, मैं वापस आया, मुझे दूसरा पागल रेड मिला है, आई विल टेक हिम एंड टेक टू द रेड वन। अब रेड में भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया, मैं दोबारा आया, मुझे फिर से ब्लू वाला मिल गया, तो उठा करके हम ब्लू में ले गए और डाल दिया। अब हमारे पास तीनों में एक एक है, तीनों में एक ही हो गया, राइट? तो तीनों काउंट एक ही हो चुका है। अब हम दोबारा आए वापस, अब मेरे पास एक रेड वाला मिला, रेड वाले को उठा के ले गए, वापस ले जाएंगे। अब जब मैं वैन का गेट खोलूंगा, एक पहले से एक और अंदर डालूंगा, तो मेरा काउंट तो एक अपडेट हो गया ना, तो नाउ माय काउंट विल बी अपडेटेड बाय वन। एम आई राइट और नॉट साक्षी, एम आई राइट? यस। ठीक है, तो जब मैंने उसको, क्योंकि मुझे काउंट भी याद रखना ना साथ में कि कितने काउंट डाले हैं, तो उसको उठा के ले गया मैं, अंदर डाल दिया मैंने। तो अब मेरा, मैं काउंट अपने जो मन में है एक है, अब मैं उसको इंक्रीज करूँगा, एक और एक दो हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पर हो, देखो पहले जीरो था, फिर वन डाला, फिर एक और डाला, तो अब ये इक्वल टू 1+1 2 हो जाएगा। वापस आया, फिर मेरे को पीला वाला मिला, उसको उठाया वापस ले गया, पीले वाले में डाला, तो एक था एक और डाला, अब दो हो गया, दो काउंट दो हो गया। वापस आया, फिर रेड मिला, उठा के ले गए, रेड वाले में डालेंगे। अब लेकिन दो है, एक और डाल रहा हूँ, तो 2+1 3 होगा, राइट? अब एक चीज देखो, मैं जब वापस आ रहा हूँ, जब उठा रहा हूँ, तो मैं माइंड में पहले प्रोसेस कर रहा हूँ ना, एम आई प्रोसेसिंग कि ये कौन से कलर का है, एम आई डूइंग दिस और नॉट? सुन भी बताओ, लाइक एम आई प्रोसेसिंग दिस इन माई माइंड और नॉट, कि ये कौन से कलर का पागल है, ठीक है ना? तो दिस इज वॉट, दिस इज कंडीशनिंग, आई एम प्रिपेयरिंग माई माइंड और आई एम कंडीशनिंग माई माइंड कि लाइक किस कलर के पागल है, लाइक और इनको हमें किस कैटेगरी में डालना है, राइट? सो दिस इज कंडीशनल, सो इट मीन्स दैट फर्स्ट आई विल हैव टू एंटर एंड देन आई विल हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल, बिकॉज मेरा माइंड अप्लाई करेगा कंडीशनिंग पे यहाँ पे, तो इसलिए हमारा इफ कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन से कलर का, उठा के ले जाऊँगा और डालूंगा। और इस टाइप से हम 100 बार
मतलब आएंगे, सॉरी 99 टाइम्स आएंगे और 100 बार जाएंगे, ठीक है? नहीं आएंगे भी 100 बार ना, उस पहली बार में तो खाली आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, नाउ इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ, अरे अभी खत्म नहीं क्वेश्चन। और जब इस टाइम में टोटल 100 बार सबको उठा के डाल दूंगा अंदर, तो अब एक बात बताओ भाई, अब जब मैं एक बार वैन को खोलूंगा, ठीक है, तो मुझे पता है नहीं लेकिन कितने पैकेट उसमें निकलेंगे, तो जब मैं अपने कंटेनर को इस फॉर लूप से बाहर निकालूंगा, अब तो मैं अपना पूरा काम खत्म कर चुका हूँ, मैं आया कंडीशन अप्लाई किया डाला, और जब मैं एकदम फिनिश्ड हो चुका तीन को बंद कर चुका हूँ, नाउ आई हैव द फाइनल काउंट इन माई माइंड कि जो मैं काउंट कर रहा था 1+1 2 फिर 1 3 4 5 स्टेप से, तो वो पुराने वाले नंबर गए, वो गायब हो चुके हैं, और आपके पास एक फाइनल नंबर बचा हुआ है, लास्ट टाइम वाला नंबर जो बचेगा। जैसे मान लो कि ब्लू वाले में 20 है और ग्रीन मतलब ब्लू और पीले वाले मान लो 30 है और रेड वाले 50 है, तो आई जस्ट नो द फाइनल नंबर, मुझे पहले नंबर नहीं पता है। तो जब हम ये जो आ रहे जा रहे जैसे फॉर लूप, जब हम ये फॉर लूप खत्म कर चुके हैं, तो वो मेरा अब टोटल काउंट मुझे पता है ओनली किस में कितने पागल है, एंड दैट इज व्हाट योर डिक्शनरी इज स्टोरिंग बेसिकली, यू विल स्टोर दैट फाइनल नंबर इनटू डिक्शनरी। अगर आप इस चीज को यहाँ पर ले आओगे अंदर, सॉरी या अब कर्सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, सॉरी कैन यू प्लीज लेट मी नो कर्सर दिख रहा है कि नहीं? नहीं। अब ये देखो, अगर आप स्टोर करोगे यहाँ पे डिक्शनरी कंटेनर के अंदर, तो भैया आप गलत नंबर ऐड कर रहे हो, आप हर एक बार का काउंट ऐड कर रहे हो कि लाल पीला नीला, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो फाइनल काउंट चाहिए ना। इसलिए हम जब एकदम फाइनल कर चुके काम खत्म कर चुके फिनिश्ड ऑफ, देन वी विल ऐड दिस थिंग एट द एंड, एट द एंड, ठीक है, देन वी विल ऐड अपेंड दिस नंबर एट द एंड टू माई डिक्शनरी, and that will satisfy and finish off my task of picking 100 pagals of different categories into different vans and getting the final count of all these different pagals and report them to the respective pagal khana, jo bhi English mein kehte hai, asylum, mental asylum, got it? So now if anyone have any doubt to this condition, like portion of using for loop, conditionals and dictionary, you can let me know. छाया क्लियर है? या इट्स क्लियर। चलो गुड। सुरभि क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है, बस मुझे एक और डाउट है, आई मीन आपने ठीक है बताओ। नहीं आपने यहाँ पे इफ लगाया है और आई इज इक्वल टू ए किया है, हाँ। तो जब लूप चलेगा जब लूप रन करेगा तो जो ए है और आपने यहाँ पे जो यूज किया ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इसका क्या मतलब है? बेटा प्लस माइनस नहीं है, दिस इज नॉट प्लस माइनस, अरे यार मर जाऊंगा, दिस इज नॉट प्लस माइनस, ए अंडरस्कोर सी प्लस इक्वल टू माइनस का मतलब होता है ए अंडरस्कोर सी इक्वल टू ए अंडरस्कोर सी प्लस वन, ठीक है, शॉर्टकट होता है लिखने के लिए। Got it, Surbhi? तो आपने ऐसा क्यों किया है? ये शॉर्टकट इसने किया है, मैं बार बार अपना काउंट अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पागल ले जा रहा हूँ डाल रहा हूँ, फिर मैं अपना माइंड में अपडेट कर रहा हूँ नंबर को एक ही करके, तो भाई अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर को, मैं अपडेट तो करना पड़ेगा ना, और नॉट ओके नहीं है, डाउट है तो बोल सकते दोबारा यार, ठीक है आगे चलो गुड, नहीं है तो भी हाँ बोलना, ठीक है ना, पागल जाओगे नहीं तो पागल कर देगा तो मैं पागल जाऊंगा अदरवाइज। या प्रतीक्षा इज इट क्लियर टू यू? यस। चलो नाइस, अब मैं इसी चीज को आपको कोड करके दिखाता हूँ, इन्हीं पागलों कैसे कोड कर सकते हैं फटाफट, ठीक है यार, जस्ट गिव मी अ मिनट, नाउ आई विल प्रेजेंट यू द स्क्रीन एंड शो यू हाउ विद इन मिनट्स ऑफ टाइम वी विल कोड दिस। तो मैं कोड करूंगा बड़ा सिंपल टास्क, मैं आपको नहीं खाली कोड करके दिखाऊंगा कैसे कोड करेंगे, ठीक है, और आपको होमवर्क में टास्क देंगे, वो पूरा कंप्लीट टास्क मैंने बोला है,
कि 10 डिफरेंट फाइल्स आप करोगे और फिर उस पर काम सॉल्व करोगे, ठीक है? व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, या चलो भाई ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम। ए टी जी सी टी जी जी दो, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार लिखा, ठीक है? ग्रेट। नौ दो चार लिखे हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पहले देखो आप फंक्शन डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है? मैं आपको ना एकदम चंक्स में दिखा रहा हूँ कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो देखो आई एम ए नॉन प्रोग्रामर पर्सन, ठीक है? तो मैंने सारी चीज़ जितनी डिफिकल्टी सीखी मैं उससे डिफिकल्टी में कुछ बता रहा हूँ, ऐसे आप भी सीखोगे अच्छे से। गॉट इट? अच्छा एक चीज़ और, पहले इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो लेंथ चेक कर लेते हैं हम एक्स की, लेंथ कितनी एक्स की। ओ नाइस, इट मीन्स दैट एक्स प्रॉपर एक ही करके हम अपेंड कर सकते हैं अप्रोच। तो कैसे हम काम करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, सॉरी आई इन एक्स, देखो सबसे पहले ऐसे काम करते हैं, ठीक है? जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता तो ऐसे काम करें, ठीक है? प्लीज़ देखो पहले घुसे देख लूँगा मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। चलो भाई गुड, अब मैंने क्या बताया आपको, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सो इफ आई आई इक्वल्स ए एंड ए अंडरस्कोर सी, जैसे सुरभि को डाउट था यहाँ पे तो उसको हम ये कर देते हैं, बट इट नाउ एक खत्म हो गया। नाउ इफ आई इक्वल्स टी, सो टी अंडरस्कोर सी, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे लिखने में। फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से, पूरे एक घंटे लिए मैंने एक्सप्लेन करने में, ठीक है? तो डोंट से कि मैं स्लो करूँ स्पीड, एंड इफ अगर मैं इफ ना भी लिखो तो चल जाएगा। जैसे छाया ने बताया था कि अगर हम दो पागल को उठा करके बाहर निकाल सकते हो तीसरे को हम छोड़ भी सकते हैं, तो डायरेक्टली आई कैन यूज द एल्स कंडीशन ऑल्सो हेयर, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग इफ कंडीशनिंग। चलो देखते हैं काउंट क्या आता है हमारे पास, ठीक है? चलो देखते हैं, ए अंडरस्कोर सी, जी अंडरस्कोर सी, टी अंडरस्कोर सी एंड सी अंडरस्कोर सी, तो आ गया। अब देखो हम क्रॉस चेक करेंगे अपने आंसर को, तो एक लाइब्रेरी होता है हमारे, एक फंक्शन होता है इंपोर्ट, तो यही चीज दिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं मैंने फटाफट इनबिल्ट फंक्शंस है काउंटर, ये चीज़ तब यूज़ करना जब आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो जी ए के 12 है, ए के 12 है, टी के 8 है, टी के 8 है, जी के 14 है, जी के जी गायब हो गया, जी के 14 राइट, सी के 7 है, सी के 7 है। गॉट इट? कोई डाउट है किसी को? हाँ जी नहीं, लेकिन अभी हमें एक काम करना, हमें क्या, अब हमें इसको एक फंक्शन में डिजाइन करना, बिकॉज हमें ये काम मल्टीपल टाइम्स करना है, राइट? सो डेफ काउंट यहाँ पर हम डालेंगे सी, दो ऐसी फंक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है? कभी हम सोचते हैं कि एक बार में सारा काम वो वैसे करना है जैसे प्रोग्रामर्स करते हैं, कभी नहीं करना है, ठीक है? वी आर नॉट प्रोग्रामर्स, तो मैं ऐसे काम करता हूँ, ठीक है? प्लीज एंड आई होप सो, लाइक प्रकृति जब प्रॉपर प्रोग्रामर तो वो भी ऐसी शायद करती होगी। पहले हम एक एक चंक्स में काम करके देखते हैं, अगर हमारा टास्क सेटिस्फाई होता है फिर हम उसको उठा करके डाल देते हैं। सिंटेक्स कभी प्रॉपर अलाइन करना मत भूल जाना, ठीक है? नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें खाली डिक्शनरी, मैंने बोलता है कि डिक्शनरी में हम अपेंड कराएंगे रिजल्ट्स अपने, राइट? सो काउंट अंडरस्कोर बेसिस,
अकाउंट अंडरस्कोर बेसिस ए इक्वल टू ए अंडरस्कोर सी अकाउंट ए, फिर आएगा हमारा टी, फिर आएगा हमारा जी, फिर आएगा हमारा सी, यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आएगा हमारा जी, यहाँ पे आएगा हमारा टी एंड मैं रिटर्न क्या कराऊंगा काउंट, सो रिटर्न काउंट अंडरस्कोर बेसिस। अब देखो कैसे हमारा ये काम फटाफट सॉल्व कर देना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो माइट भी एरर देगा, एरर देना चाहिए अच्छी बात होती है। सॉरी अब दो एरर क्या यहाँ पे, दिस इज सिमेंटिक एरर, ठीक है, बिकॉज आप करना सही चीज चाह रहे थे पर गलती से गलती हो गया है। दो जी आ गया, अब मैं ये करता हूँ आपको चीज दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ, ठीक है, देन यू विल अप्रिशिएट दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको, ठीक है, काम करते हैं। चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, मैंने कहा था ऐसे आपको चार डिफरेंट सीक्वेंसेस मान लो, ये चारों डिफरेंट स्पीसीज मान लो, मैंने कहा था एक डिक्शनरी में डाल दो इसको, तो डिक्ट मान लो होमो है, होमो इक्वल टू एक्स, कुत्ता सॉरी कुत्ता इक्वल टू, अरे यार आ जाओ वाई, बिल्ली इक्वल्स जेड एंड मंकी इक्वल्स सॉरी डब्ल्यू, ठीक है, एंड इसे हम जस्ट स्टोर दे देते हैं सीक्वेंस। नाउ मैंने क्या कहा था इसके बाद हम जाएंगे एक लूप के अंदर, राइट, सो आई विल हैव टू यूज अ फॉर लूप, फॉर आई इन क्या नाम दिया मैंने इसे सीक्वेंस डॉट कीज, अगर मैं नाम लिखूं क्यों तो चल जाएगा, पहले देखो काम के रिजल्ट कैसे देगा ये प्रिंट आई, ये देखो दो आई ऑलवेज वर्क लाइक दिस, ठीक है, आई ऑलवेज लाइक वर्क लाइक दिस, ठीक है, सो फर्स्ट आई ट्राई टू सी व्हाट आर माय लाइक कीज, देन आई वांट माय वैल्यूज, ग्रेट, नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग योर सीक्वेंसेस, ठीक है, सो इसे हम नाम दे देते हैं एस, एंड नाउ आई वांट माय काउंट, सो काउंट अंडरस्कोर बेसिस एस, इसे प्रिंट करवा देता हूँ मैं बार बार, आप देखो आप खुश हो गए देख के, ओ एरर आ गया, शिट मैन एरर क्यों भाई, ओ काउंट है क्योंकि डिक्शनरी हमारा, ग्रेट, बट हमें इस फॉर्मेट में आंसर नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए आपका, हमें आंसर चाहिए आपका एक डिक्शनरी के अंदर सारी चीज़, ठीक है, तो अब मैं इसे करूँगा स्टोर एक डिक्शनरी में अगेन, स्पीसीज काउंट is equal to species underscore count i equals, अब देखो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, so you can see here and now if I want to see what is the FOMO, ग्रेट, व्हाट इज अ कुत्ता, ठीक है, व्हाट इज अ बिल्ली, ठीक है, सो आई हैव गॉट द बेसिस, बट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मान लो वो भी चाहिए जीसी परसेंट भी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सो सॉरी या सो जीसी अंडरस्कोर पर इज इक्वल टू जी अंडरस्कोर सी प्लस सी अंडरस्कोर सी
एंड पैडमास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, नॉर्मली मैथ्स में बोर्डमास होता है, बोर्डमास होता है, और प्रोग्रामिंग में पैडमास होता है, पैरेंथेसिस. ठीक है, सो पता रखना अच्छे से प्लीज. सो यहाँ पर लिखेंगे टोटल इक्वल टू ए अंडरस्कोर सी, टी अंडरस्कोर सी, जी अंडरस्कोर सी एंड सी अंडरस्कोर सी टोटल. Got it? And I need to multiply it by 100. Okay. Now I want to store this result also. So count underscore basis. इसे हम जी सी परसेंट लिख देते हैं और यह हमारा जाएगा, सॉरी क्या आएगा, जी सी पर. अब दो यहाँ पर रिजल्ट स्टोर करते हैं. या जिस परसेंट 51.21%. ठीक है, बिल्ली कुत्ता देखें, ये लो यार. ठीक है, एक सेकेंड, ये सेम दे रही है सब में. ह्यूमन, सॉरी ह्यूमन तो है ही नहीं यार. देखो जो की एग्जिस्ट नहीं करे उसमें एरर देगा आपको. ठीक है, डू यू नो वन थिंग, एरर क्यों दे रहे बार बार, क्योंकि मैंने एक्स चेंज नहीं किया यहाँ पे, सेम रिजल्ट दे रहा है बार बार, सॉरी. ठीक है, सो ये एरर्स होते हैं जब आप डिजाइन करोगे फंक्शन तो. ठीक है, होमो नॉट शुड बी डिफरेंट, या नॉट इट इज डिफरेंट. ठीक है, yeah, got it. Anybody have any doubt, you can ask me. You should not have any doubt, okay? Because मैंने आपको पूरा पहले कंप्लीट एक्सप्लेन किया स्यूडो कोड के थ्रू, फिर आपको पागल एग्जाम्पल दिया अच्छे से, फिर आपको प्रॉपर करके दिखाया है. ठीक है, सो इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस. हेलो, हाँ अलोक की, अभी रीसेंट वाला दोबारा करवा दो, ऐसे ही जस्ट गो थ्रू. अच्छा ठीक है, नॉट इशू. दो जी, सबसे पहले हमने चार सीक्वेंसेस लिखे हैं यहाँ पे छाया. ठीक है, प्लीज हाँ बोलते जाना. ठीक है, अदरवाइज ना फिर मैं बोल रहा हूँ. दो या ठीक है, चार में सीक्वेंस लिखे हैं एंड देन आई वॉन्टेड टू स्टोर दैट इन टू अ डिक्शनरी सो दैट आई कुड यूज दैम इन वन गो. ठीक है, तो हम उसको स्टोर कर देंगे डिक्शनरी के अंदर. ग्रेट, डन. I wanted to find out the count of each and everything. ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कभी भी जब एक हमको रिपीटेटिव, बेशक आपको रिपीटेटिव बार बार करना हो, पर काम हमेशा एक के लिए डिजाइन किया जाता है, कभी भी एक के लिए करके फिर हम उसको ऑटोमेट करते हैं. दिस इज नोन एज ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस के टर्म में इसको ऑटोमेशन कहते हैं. ठीक है, क्या पहले मैनुअली करोगे फिर उसको आप ऑटोमेट करोगे फंक्शंस में. तो हमने लिया, वी नीड टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ ईच एंड एवरी बेस. तो उसके लिए हमारे पास जितने डिफरेंट बेसिस है हमने वो फाइंड आउट किया पहले, ए टी जी सी, सबको मैं इनिशियलाइज किया जीरो से. देन हमने वही सेम कोड यूज किया यहाँ पे जो हमने अभी कंसिडर किया था. सबसे पहले आप उसके ट्रिपल आई टी में घुसोगे, आपने चेक किया कि लाल है तो भैया लाल वाले अकाउंट एक से बढ़ाओ, पीला है तो पीले को भी एक से बढ़ाओ, नीला है तो नीले को एक से बढ़ाओ, हरा है तो हरे को एक से बढ़ाओ. गॉट इट? यहाँ तो कोई डाउट है नहीं? ग्रेट. देन आई नो कि अभी रिटर्न दे रहा है मुझे, सो व्हाट आई विल डू, I will try to automate this entire thing by putting this complete thing into a function. Very simple concept, okay? So I initialized a function, a def count, okay? And in bracket I give the name of the argument. This is not the name of the argument, and this is the name of the function, okay? So yeah, so हमने same चीज़ को पूरा यहाँ पे इकट्ठे डाल दिया. And now I want to return a dictionary which will contain the count of all the different bases. So for that reason, I initialize a dictionary here, count underscore bases. And then after getting the count of each and every base, I just stored the name of the base as the keys and the corresponding count as the value. Right? So this is the way to append a value to a dictionary. And then I also wanted to find out the GC percent. So by using this simple concept, G plus C divided by the total count into 100, I got the GC percent. And now I
I have designed a function. I want to apply this and store all the complete results into a single dictionary. So I initialized the dictionary again, open empty dictionary. I went through a loop, and which loop took me inside the, क्या कहते हैं इसे हम, throughout all the dictionary complete sequences, the name of the species, and then I got the sequence of the corresponding species, and I applied the function and stored the result into the dictionary, and got it. Done. Tell me your doubt now. हाँ जी छाया क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है आलोक. थोड़ा सा मे बी मेरा बैकग्राउंड अब काफी देर देयर्स बीन लॉट ऑफ गैप, तो मुझे ये पूछना था कि जीसी पर वेट जहाँ पे टोटल किया हुआ है, यहाँ जहाँ पे कर्सर है, जीसी पर इज इक्वल टू जीसी प्लस सीसी क्यों लेते हैं, नॉट ओनली जीसी. कैन यू पार्डन प्लीज, जहाँ भी कर्सर है आपने टोटल लिया है जीसी प्लस सीसी, व्हाई वी आर टेकिंग टू पेयर्स नॉट ओनली जीसी यहाँ पर. ये हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है ना छाया, सो हमें परसेंटेज, सो जीसी का मतलब लाइक जीसी काउंट में निकालना, इट मींस द काउंट ऑफ जी एंड काउंट ऑफ सी. जो की जीसी परसेंट जो होता है हमारा नॉर्मली जब हम बायोलॉजी में बात करते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर्स की फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है. एंड द जीसी गिव्स द स्टेबिलिटी टू द प्राइमर एंड द डीएनए बेसिस, ठीक है. सो दैट इज द मेन कॉन्टेक्स्ट एंड द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग द जीसी परसेंट. व्हाई नॉट एटी, व्हाई नॉट एसी, बिकॉज जीसी हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम, एंड ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच गिव्स राइज टू द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है. उस रीजन से हम जीसी निकालते हैं. So count of G and count of C only. Got it? यहाँ तो बायोलॉजी आएगी जी. हाँ हाँ ठीक है, कर. ठीक है. और किसी को डाउट है? सुरभि क्लियर है आपको? Yes yes. Nice. नहीं है तो बोल सकते हो यार, ठीक है. थोड़ा गुस्सा आएगा पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. प्रतीक्षा any doubt? No. पक्का? या पक्का. चलो ठीक है. नहीं अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको फटाफट, ठीक है यार. एक सेकंड, ओके फाइन. अगेन टेक 10 मोर मिनट्स. यहाँ पे गए हम. So I am just showing you how to open a file. नहीं आ रहा है, सेकंड यार, सॉरी. जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके.
ओके सॉरी, सो टाइप is str fine, so fi yeah, dekhna padega because like I used to do like scripting long time ago, theek hai, but my main task tha wo kya hoga, ठीक है, ये फाइल ना ठीक से डाउनलोड तो ठीक से हुई है आपको, ये फाइन। सो हमारा टास्क ये होगा कि लाइक ये जो फाइल है हमारे पास, इस फाइल से हम कंप्लीट बेसिस को उठाएंगे ओनली, ठीक है, यहाँ से ये हम यहाँ से लेकिन यहाँ तक उठाएंगे कंप्लीट जितना बेस होगा, और फिर उस पर हमें सारा काम रिपीट करेंगे जो हमने किया है ये, ठीक है। और इसी टाइप से टोटल 10 फाइल यहाँ पर डाउनलोड करोगे, रीड करोगे, और डिक्शनरी के अंदर सारा डेटा स्टोर करोगे आप। सो दैट इज द मेन टास्क। हेलो प्रगति, आर यू देयर? तो मतलब कुछ उसका डिलिमिनेटर या कुछ फाइल एक बार ओपन लाइक करके दिखा दो ना, न्यू लाइन से सेपरेटेड है वो। पता नहीं यार कैसे देखना पड़ेगा। अच्छा ये रहा ना, एक काम ये भी कर सकते हैं, या तो फिर वो देख सकते हैं कि जो जो लाइन इससे स्टार्ट हो रही है, जो ये फर्स्ट कैरेक्टर है ना, उससे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करके कंटिन्यू वेयर एवर ये मतलब got it, है ना। हाँ राइट, इन्हें अपलोड लाइंस नहीं आ रहा यार ये, इसका मैंने ओपन ही गलत किया है गैस। एक और कमांड होता है ओपन करने के लिए फाइल्स को, विद ओपन, वो तो एक ही बात है, वो तो आप एफ को मतलब ऐसे विद ओपन से कर लो या एफ ओपन से, एक ही बात होगी। ये फाइल रीड हमने सही किया है? हाँ फाइल रीड सही किया, आ तो गया डेटा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। अपलोड रीड लाइंस तो प्रॉपर कोड होता है, अच्छा ये आ रहा है। हाँ गॉट इट, अब आ रहा है ना फाइन। नाउ इट्स अ डिक्शनरी आई गेस, सो लेन या नाउ इट्स अ डिक्शनरी, ग्रेट, ठीक है। सो एफ आई, अब ये देखो, सो अगर हम इसका जीरो निकालें, जीरो एथ लाइन, सो दिस इज दिस माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, नो डेफिनेटली वन डेफिनेटली, तो मेरा रिजल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो फाइन, सो फॉर आई इन एफ आई प्रिंट आई, पहले आप यहाँ से देखो ऐसे, वो देखो कैसे हम स्टार्ट करते कोड, ठीक है, दो सिंपल, हमने ऐसे स्टार्ट किया एंड हम ऐसे गए। सो आपका टास्क क्या होगा, लेट मी टेल यू, आपका टास्क ये होगा कि आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर ऑफ द फास्टर सीक्वेंस। सो यू विल स्टोर योर ऑल दिस कंप्लीट सीक्वेंस, दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर एज द वैल्यू एंड दिस एज द की, दिस एज द की, ठीक है। सो अब देखो हम देखें, suppose that I want all those lines starting with this double character greater than sign, so what I'll do, if I 0 is equal to greater than print I, ab dekhna kya hoga, see I got this, yeah, to mere paas sare identifier aa gaye, if you want only the identifiers you can get all the identifiers by using this simple function, सिंपल फॉर एंड इफ। नाउ चलो ये रहने देते हैं यहीं पे, अब हम इसमें जाते हैं, आई वॉन्ट ऑल द बेसिस,
इफ आई जीरो ए और आई इक्वल्स टी और सॉरी आई इक्वल्स सी सॉरी और आई इक्वल्स जी ठीक है और या फिर जाएगा इसके अंदर great so now you can see I am able to get all my strings together but this is not my task I want all these strings together okay so what I will do I will create a empty string and now you can see my string great yeah so I've got my string but what I want to do is that I want to remove all these kya kehte hai symbol ko yaar new line characters so uske liye kya code hota hai prakriti can you tell me seek dot split nahi split hota hai lekin but split hamara function fulfill nahi karega na because hame to right matlab split nahi karna na right usko remove karne liye hoga रिमूव तो मतलब कर सकते हो बट वो भी हमारा फंक्शन फुलफिल नहीं करेगा हाँ, ये तो सारे कंबाइंड हो गए ना हमें सबको एक साथ अपेंड करना है हाँ तो मतलब ये तो अगर आप इसे न्यू लाइन को रिमूव भी कर दोगे तो भी आपके सारे जो सीक्वेंसेस है वो एक साथ आ जाएंगे तो जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसमें n इसमें बैक स्लैश n थोड़ी कैलकुलेट होता नहीं होता ना नहीं होता नहीं होता बट एक वैसे आप देखो ना अगर आपको एक सिंगल चीज सीक्वेंस चाहिए एक आइडेंटिफायर से आपको वो वाला पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा अभी एक सेकंड राइट अभी हम काउंट देख लेते हैं सीटा कितना है चलो ठीक है हो गया हमारा काम सॉरी यार हमारा काम सॉल्व हो चुका है हमारे पास जो पहले डिफरेंट लिस्ट थी मतलब लाइन्स थे हमने सबको एक साथ कंकेटनेट कर दिया जो हमें करना था अब अगर मैं डायरेक्टली ये फंक्शन अप्लाई करूँ काउंट दो भी आ गया सही आंसर चलो ये बैक स्लैश को उसने हटा देता है सो और अगर मैं यही एक काउंटर अप्लाई करूं काउंटर देखो ए 323 टी 335 जी 417 सी 392 अच्छा बैक स्लैश एन आता है ठीक है बट बैक स्लैश एन इज नॉट फॉर यूज हमें फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसमें हट जाएगा तो हमने अपने काउंट सीक में बैक स्लैश एन को हटा रखा है राइट गॉट इट तो ये चार पांच लाइन के सिंपल कोड आप लिखोगे एंड नाउ अब हम क्या करेंगे हमें यही कम मल्टीपल टाइम्स करना होगा कम से कम 20-30 फाइल्स तो हम क्या करेंगे सिंपल देखो उसके लिए मैं आपको ट्रेन करता हूँ कैसे करेंगे हम डेफ फाइल अंडरस्कोर नेम ठीक है और फिर आपका ये जाएगा फंक्शन में ये क्या फंक्शन में हमारा ठीक है इसके बाद आपका ये जाएगा फंक्शन में देन आप इसे डालोगे अपने फंक्शन नहीं इसे हमें जरूरत नहीं फंक्शन में इसे हमें जरूरत है ठीक है इसे फंक्शन में डालने में करेंगे बाद सिंपल इसके बाद हम क्या कर देंगे काउंट और जो यहाँ पे फाइल नेम लिखना दो और यहाँ पे हमारा जाएगा फाइल नेम ठीक है काउंट और यहाँ पे हमारा आएगा आपका सी और इसे हम कर देंगे रिटर्न ठीक है अब देखो आप सो फाइल अंडरस्कोर काउंट और ये लो
है, हमारा रिजल्ट आ गया सिंपल। लाइक देखो आपने, मैंने एक फंक्शन डिजाइन कर दिया, मेरा रिजल्ट आ गया ठीक है। जिस फंक्शन का देखो, फंक्शन है, लूप है, स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया है, कंडीशन अप्लाई किया है और रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब यही काम आपको 10 डिफरेंट फाइल्स पे करना है, वेरी सिंपल। लाइक अब 10 डिफरेंट फाइल्स का नाम एक लिस्ट में क्रिएट कर लेना, स्टोर कर लेना, उसके ऊपर रन कर देना एंड यू गेट द रिजल्ट्स लाइक दिस। सो वेरी सिंपल थिंग। मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, फाइल डाउनलोड। या सो आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर फाइल ओवर द ईमेल, सॉरी नॉट ओवर द ईमेल, इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू कैन यूज दिस फाइल टू अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर। ठीक है यार, अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया, कुछ बहुत स्पीड लगी चीज़ें, यू कैन टेल मी यार, बिकॉज दिस वॉज ऑन माई मोटो। एंड कल मैंने बताया था लाइक मैं ये काम आपको कल करवाऊंगा क्लास में, so you can now let me know agar kuch samajh mein nahi aaya to please, can you please still use of counter ya fir role of counter? nahi abhi use nahi karoge counter, kyunki abhi agar aap counter use karo to aapko aadat lag jayegi counter use karne ki, matlab role kya hai wo batao please, kya batao rule, role role jaise ki count function is count batata hai, counter is simply telling you the count of all the different unique characters in a given डेटा, यूनिक कैरेक्टर्स, ओके, यूनिक कैरेक्टर हो या डेटा हो कुछ भी, यूनिक डेटा, यूनिक डेटा का काउंट बताएगा वो फ्रीक्वेंसी, इट इज जस्ट गिविंग यू द रिटर्निंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द डिफरेंट आइटम्स, सिंपल, ओके ओके थैंक यू, बट यू शुड नॉट यूज दिस राइट नाउ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे चीज़ें आती हैं, आप अभी नहीं करोगे ठीक है, ट्राई टू नॉट टू यूज ऑल दिस थिंग्स अभी ठीक है, एक बार अगर आदत लगी नहीं तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो भी क्लियर है कुछ सारी चीज़ें कि फाइल कैसे रीड करेंगे, कैसे फंक्शन डिजाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को? यस, चलो नाइस। प्रतीक्षा जी क्लियर है? हाँ जी साक्षी बताओ, तो गो अहेड। हमें फाइल रीड करने से पहले अपने पीसी में डाउनलोड कर लेनी चाहिए ना? हाँ जी, वो डाउनलोड करना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? डाउनलोड तो करना पड़ेगा यार, ठीक है। प्रतीक्षा कोई डाउट है आपको या सब मतलब कुछ पूछना है? No, I'll go through the file once, then I'll let you know if I have any. Sorry? अभी आपको चीजें clarity के साथ समझ आई नहीं? हाँ, अभी तो it is fine. चलो good यार, ठीक है। So and छाया आपको समझ आई चीजें? Sir, Aloka, I'll also see file, then we'll let you know. ठीक है, nice. मैं file के साथ में mail करूँगा। बट आपको ओवरऑल मोटो तो समझ आएगा ना, मोटिव और की प्रोसीजर कैसे काम करते हैं हम, राइट? चलो गुड, या ग्रेट। सो प्रकृति, हेलो। बट आलोक, वैसे मतलब ओवरऑल थोड़ा आई थिंक इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक यम टाइम यार, मैं नहीं कह रहा टाइम लगेगा, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, इट शुड टेक टाइम, ठीक है यार, बिकॉज़ तो वो अब 5 दिन के अंदर लोग आपको क्या सिखा सकते हैं, ठीक है, राइट? 5 days or 2 hours of each, ठीक है, but still we are trying to cover as much as possible and the main topics of programming. ठीक है यार, हेलो प्रगति, आर यू देयर? हेलो प्रकृति, इज नॉट देयर आई गेस। प्रकृति जी आप हैं? हेलो, शी इज देयर और नॉट? शी इज नॉट देयर आई गेस। Oh, she's not there. Just give me a minute, yeah, please.
चलो फाइन, इतने शी इज नॉट हेयर बिकॉज उसे ही करवाना था टॉपिक, आई डिडंट वांट टू कवर, ठीक है, बट स्टिल इफ शी इज नॉट देयर लेट मी कवर. सो चलो ठीक है. सो मैं आपको ना एक बेसिक चीज़ का आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है. सो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ अबाउट द पैकेजेस. अभी तक हमने कोई भी पैकेज टॉपिक डिस्कस नहीं किया ना. हेलो साक्षी, पार्डन प्लीज, नहीं किया हूँ. चलो ग्रेट, ठीक है. सो या सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू जस्ट अबाउट सम पैकेजेस. सो देर इज वन पैकेज कॉल्ड नंपाय, अनदर पैकेज कॉल्ड पांडास, अनदर पैकेज कॉल्ड साइपाय, अनदर पैकेज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब, ठीक है. तो दे आर द फोर फेमस लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस. सो आप वो लाइब्रेरी यूज कैसे करते हैं, जस्ट लुक एट हियर. देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ पहले आपको. इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मीनिंग है कि इट इज लाइंग समवेयर ओवर द क्लाउड इन टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड आई वॉन्ट टू यूज दैट इन टू माई वर्किंग डायरेक्टरी. सो दैट आई एम कॉलिंग इम्पोर्ट. इम्पोर्ट का नेम ऑफ द पैकेज आएगा जो आप यूज करना चाहते हो. एज एन पी, दिस इज नोन एज अलायस. So I want to use the NumPy package with the alias name np. Alias मतलब nickname होता है basically, ठीक है. So now suppose that I want to take the logarithm of 10. np dot log 10, log base 10 and 10. Answer will be 1. I want to take 3. It will be 1.73. नहीं point. Oh sorry. Oh गलती है मैंने. जो भी है, ठीक है. Now suppose that I want to take the exponential of the function, ठीक है. So 10. I want to. Okay, fine. So there are a few things. I want to. Yeah. अब एक चीज देखो आप, मैं एक array create करूँगा, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5. Suri, what is the data type of x? Hello, Surbhi. String. X. Oh, sorry. Integer. Okay. Pratiksha, can you tell what is the data type of x? A list. It is a list. आप इसके अंदर बता रहे हो, आपको अभी यहाँ पे पूरा कंप्लीट बताना होगा. इट्स अ कंटेनर हियर. सो टाइप ऑफ एक्स इज लिस्ट, द टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इज इंटीजर. नाउ सो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाई आल्सो लिस्ट. नाउ कैन यू टेल मी द रिजल्ट, एक्स प्लस वाई क्या आएगा हमारे पास. Anyone? Pratiksha, can you tell me what will be the result of x plus y? We will get two lists together. Two lists together. Great. ठीक है, so जब कभी दो list को आप add करते हो, so they are not going to be added element to element. They will just append together. Now you tell me the result. Now tell me the result of this. Sakshi, what will the result be? X plus y. np dot array of x plus, मतलब print हो जाएगा पूरा. मतलब दोनों x में print हो जाएंगे, right? हाँ, x में. अच्छा, okay. चलो, you are Sakshi है ना? Yeah. चलो ठीक है. प्रकृति, प्रतीक्षा, आप बताओ क्या होगा? I don't have any idea. Nice. And Chaya, बताओ क्या होगा? I
Chai, are you there? Yeah, I'm there. बताओ क्या होगा? Will show some error. Show some error? नहीं नहीं error नहीं आएगा. चलो सुरभि बताइए. सुरभि आप बताओ क्या होगा? दोनों element to element add हो जाएंगे. हाँ. या सुरभि you are right. इससे error दे दिया. ठीक है एक second. Oh sorry. चलो ठीक है मेरे कारण error है यहाँ पे. 50 यार sorry. अब दो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड हो जाएंगे बेसिकली. ठीक है ओके. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन न्यू कॉन्सेप्ट एरे. सो जब कभी आप एरे पे ऑपरेशन करते हो तो एरेज के ऑपरेशन एलिमेंट टू एलिमेंट होते हैं. बट इन ऑर्डर टू अप्लाई द एरे ऑपरेशंस यू नीड टू हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द एरेज. इफ यू वॉन्ट टू एड टू एरेज टूगेदर यू नीड टू हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन. ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ. मैंने एक क्वेश्चन दिया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है अब देखो भैया जब अब मैं आपको ना सारी लाइक पैकेज यूज़ करूँगा मैं तो अब. ठीक है पर आप नहीं करोगे. अब ध्यान आप यूज़ नहीं करोगे मैं पैकेज यूज़ करूँगा लेकिन. ठीक है अब देखो मीन निकाल लिया एक्स माइनस एन बी डॉट मीन आ गया. मैंने एक्स में से एन बी डॉट मीन माइनस कर दिया और मुझे इसको स्क्वायर करना है. स्क्वायर भी कर दिया फिर इसको मुझे लेंथ ऑफ एक्स से डिवाइड करना होगा और फिर नहीं एक सेकेंड निकलती हो गई. यहाँ पे सम लेना होगा पहले. हाँ गलत हो गया सेट एक्स माइनस एन पी डॉट मीन एक्स देन आई विल स्क्वायर इट then I will sum it up then I will divide it by ln of x then I will take the square root of it. So the standard deviation is 1.414 got it. So तो यार एक एक लाइन में कोड लिख दूंगा मैं तो भाई. ठीक है पर आपको भी लिखनी है लेकिन आपको पैकेज यूज नहीं करना है. ठीक है आपके लिए बड़ा टेडियस टास्क होगा. कैसे होगा लेट मी शो सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूज ऑफ पैकेज. तो अब मैंने एक्स वहाँ पर लिस्ट बना दिया. ठीक है तो उसमें से माइनस नहीं हो पाएगा. ठीक है नाउ इट विल नॉट बी एबल टू सब्ट्रैक्टेड. सो नाउ आई विल हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. कैसे देखो फॉर आई इन एक्स सबसे पहले मुझे सम निकाल सॉरी सबसे पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा. तो एस इक्वल टू जीरो. ठीक है सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. तो अब एस देख लेते हैं कितना है. ठीक है देन वी नीड टू फाइंड आउट द मीन सो ln ऑफ x. सो ये हमारा मीन आ गया. ठीक है नाउ आई नीड टू सब्ट्रैक्ट एंड स्क्वायर. सो अगेन आई विल एंटर टू x प्रिंट i माइनस m. बट आई नीड टू स्क्वायर दिस. ठीक है एंड आई नीड टू फाइंड टू द सम. इसे हम कहते हैं एरर. सो आई विल एड द एरर. सो इट विल बी 10 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ एक्स. सो यू कैन सी द आंसर. ये देखो छः लाइन मतलब छः डिफरेंट सेल्स मैंने आंसर निकाल दिया और यही चीज़ पैकेज एक ही वर्ड में करेगा. आप देखो एक चीज एन पी डॉट एच डी एस टी डी है. ये 1.414 एक वर्ड में आंसर आते हैं. दिस इज हाउ डेटा साइंटिस्ट वर्क. ठीक है they are not going to write these many long lines of code but in order to write this short line of code they should have the in depth knowledge of this long line of codes. theek hai to kabhi bhi sunne ke data scientists ko like coding chote chote hote hain to hum chote chote packages use karna seekh lete python and all to hum data scientists ban jayenge kabhi nahi banoge. theek hai
आपको इन डेप्थ नॉलेज होने के लिए सब चीज़ को पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या होती है, बट यूज तो आप करोगे छोटे छोटे एक लाइन के कोड से, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। होप आई हैव गिवन यू द मेन जिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये रियल में काम ऐसे करते क्यों करते हैं, गॉट इट? हाँ जी प्रतीक्षा, क्लैरिटी आपको माइंड में सारी चीज़ों की, क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें? सॉरी मैं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक डू यू हैव द क्लैरिटी लाइक व्हाई एंड व्हाट आर वी डूइंग? यस यस, ग्रेट यार। अभी आपको समझ में आई जो चीज मैंने ऑपरेशंस करे थे पीछे बैक में? या सो आई वाज जस्ट आस्किंग वर यू एबल टू फॉलो द डिफरेंट कमांड दैट आई हैव रिटन जस्ट नाउ ऑपरेशंस? यस यस आई डिड, या ग्रेट यार। Fine. So thanks for joining here. Okay. We have left one more class only, but I will try to schedule two more classes. Okay. In which I will be teaching you all these things only. Okay. Ki Python, NumPy, and NumPy, Pandas, and one more package of SciPy, like Matplotlib. Okay. Mostly Prakriti will take one class, and I will take one class. Okay. So in which the class when I will take, I will be directly. Do you the data science topics, and Prakriti will be teaching you how to use these packages, NumPy, Pandas, and all together. So, us puchna to puch sakte hai. I am open to your questions. I am done from my side. Sakshi, any questions? No, still not. I'll check your script afterwards. Nice. And so, do you have any doubts?